हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल समस्या समाधान पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कोहनी और घुटने का कालापन दूर करने के रामबाण घरेलू उपाय। घुटनों और कोहनी के कालेपन को आप जितना मर्जी साबुन या स्क्रब से साफ करने की कोशिश करें, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहनी की त्वचा बाकी शरीर से ज्यादा सख्त होती है, इसलिए ये ज्यादा डार्क हो जाती है। अगर आपकी भी कोहनी और घुटने काले हो गए हैं जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, जिसके कारण आपकी जेब भी ढीली नहीं होगी, साथ ही आपको खूबसूरत कोहनी और घुटने मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जानिए इस वीडियो में क्या है वो उपाय। दोस्तों, सबसे पहला उपाय हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा स्किन को साफ करने के अलावा उसके कालेपन को दूर करने में भी बहुत ही कारगर होता है। इसे दूध के साथ मिलाकर लगाना चाहिए, यह बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसे लगाने के लिए आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा को दूध के साथ मिक्स करना है। इस पेस्ट को कोहनी और घुटनों पर अच्छे से लगाएं। दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करें और फर्क देगी इसका। दूसरी टिप्स है दोस्तों मेरी, नींबू और शहद। नींबू नेचुरल ब्लीच का काम करता है, तो वही शहद डार्कनेस दूर करने के साथ ही त्वचा की नमी बनाए रखता है। लगातार 3 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद ही इसका फर्क दिखाई देने लगता है। दोस्तों, इसे लगाने के लिए आपको 1 चम्मच नींबू के रस को 1 चम्मच शहद में मिक्स करना है। डार्कनेस वाले एरिया पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद साफ पानी से धो दें। इसे दोस्तों लगातार 3 हफ्ते तक जरूर इस्तेमाल करें। अगली टिप्स है दोस्तों बेसन और नींबू। बेसन त्वचा की अंदरूनी सफाई करता है और नींबू ब्लीच करते हुए डार्कनेस को खत्म करता है। उपाय है इसका करने का, बेसन में नींबू के रस को डालकर उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे कोहनी और घुटने पर मसाज करते हुए पेस्ट को लगाकर उसे सूखने के लिए छोड़ दें। इसे लगाकर दोस्तों कुछ ही हफ्तों के बाद ही त्वचा का रंग साफ होने लगता है। अगली विधि है दोस्तों हल्दी, शहद और दूध। हल्दी और दूध ब्लीचिंग के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। शहद डार्क स्किन को मॉइस्चराइजर करने का काम करता है। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर उनका गाढ़ा पेस्ट कोहनी और घुटनों पर लगाने से उनका कालापन दूर होता है। इसे बनाने के लिए दोस्तों आपको हल्दी, दूध, शहद को 1-1 चम्मच लेकर मिलाकर उसका एक पेस्ट बना लें। इसे फिर कोहनी और घुटनों पर लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 20 मिनट बाद इसे गीले हाथों से मसाज करते हुए पानी से धो दें। अगली विधि है दोस्तों दही और सिरका। इन दोनों की बराबर मात्रा मिक्स करके लगाने से स्किन की डार्कनेस दूर होती है, साथ ही उसकी नमी भी बनी रहती है। इसे करने के लिए दोस्तों दोनों की समान मात्रा मिलाकर उसे जहाँ पर आपका काला एरिया है, आपके घुटने या कोहनी आपकी काली है, उस एरिया पर लगाकर अच्छे से सूखने दें। सूखने के बाद हल्का हल्का मालिश करते हुए ठंडे पानी से इसे धो दें। अगली विधि दोस्तों मौसमी फलों से। नींबू, संतरा, अंगूर और टमाटर जैसे फलों का इस्तेमाल से भी कोहनी और घुटनों के कालेपन को दूर करने में मदद मिलती है। दोस्तों, इनका प्रयोग करने के लिए आपको इन फलों के रस को अफेक्टेड एरिया पर लगाकर उससे मसाज करें, सूखने के बाद इसे पानी से धो दें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कोई अच्छी सी वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।